कांग्रेस एक ऐसी पार्टी जिसने देश पर एक दशक से ज्यादा राज किया, लेकिन इतने सालों में कांग्रेस ने अपनी ओझी विचारधारा को बदल नहीं पाई। एक विशेष समुदाय के लिए काम करना और परिवारवाद की राजनीति से बाहर निकलना। बदलते वक्त के साथ कांग्रेस के हाथ से देश की सत्ता गई और फिर देश में भगवा दल का परचम लहराया। सभी समुदाय एक समान की विचारधारा के साथ आगे बढ़ते हुए भगवा दल का पूरे भारत में कमल का झंडा लहराया। लेकिन वो कहते हैं ना कि वक्त के साथ लोगों की सोच बदलने लगती है, लेकिन कांग्रेस पार्टी अभी भी बीजेपी पार्टी को कॉपी करने में लगी हुई है। उसकी अब अपनी कोई विचारधारा नहीं है। बता दे, कांग्रेस नेता एके एंटनी के बयान पर पार्टी की किरकिरी हो रही है। पूर्व केंद्रीय मंत्री एंटनी ने कहा कि 2024 आम चुनाव में बीजेपी को हराने के लिए अल्पसंख्यकों का साथ काफी नहीं होगा। एंटनी के अनुसार कांग्रेस को हिंदुओं को भी साथ लेकर चलना चाहिए। पार्टी के स्थापना दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में कांग्रेस की कार्यकारी समिति के सदस्य एंटनी ने यह बयान दिया। एंटनी ने कहा कि अगर लोग मंदिर जाते हैं या तिलक या बिंदी लगाते हैं तो उन्हें सॉफ्ट हिंदुत्व लाइन पर चलने वाला कहा जाता है। एंटनी ने कहा कि भारत में बहुसंख्यक आबादी हिंदुओं की है और नरेंद्र मोदी के खिलाफ लड़ाई में इसे बहुसंख्यक समाज को भी लगाना चाहिए। बीजेपी ने एंटनी के इस बयान को कांग्रेस की वोट बैंक पॉलिटिक्स का कबूलनामा बताया है। पार्टी के कई नेताओं ने एंटनी का बयान साझा कर कांग्रेस और उनके नेता राहुल गांधी पर निशाना साधा है। एंटनी ने यह बयान आगामी लोकसभा चुनाव के संदर्भ में दिया। 2014 में एंटनी के नेतृत्व में बने पैनल ने कांग्रेस की करारी हार का एनालिसिस किया था। कमेटी ने कथित रूप से पाया था कि चुनाव को सेक्युलरिज्म बनाम सांप्रदायिकता की लड़ाई बनाने से कांग्रेस की संभावनाओं पर असर पड़ा। कांग्रेस को प्रो माइनॉरिटी करार दिया गया। एंटनी पहले भी केरल के भीतर अल्पसंख्यकों को तवज्जो मिलने के खिलाफ बोलते रहे हैं। एक एंटनी के बयान को बीजेपी नेताओं ने हाथों हाथ लिया। ट्विटर पर भाजपाई वो क्लिप शेयर कर रहे हैं जिसमें एंटनी ने ये बात कही। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सहजाद पूनेवाला ने इसे एंटनी का कबूलनामा करार दिया है। उन्होंने कहा है कि एंटनी ने कांग्रेस वोट बैंक पॉलिटिक्स की पोल खोल दी। आंध्र प्रदेश बीजेपी के नेता विष्णुवर्धन रेड्डी ने राहुल गांधी को टैग करते हुए कहा, यह बतलाता है कि राहुल गांधी खुद के जनेऊधारी ब्राह्मण होने का दावा करते हैं। बीजेपी की आईटी सेल के मुखिया अमित मालवीय ने ट्वीट किया कि कांग्रेस के लिए भारतीय भारतीय नहीं है, वे बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक हिंदू और मुस्लिम में बटे हैं। मालवीय ने कहा कि एंटनी के बयान से पता चलता है कि राहुल क्यों मंदिरों के चक्कर लगाते हैं, लेकिन सोचने वाली बात यह है कि कांग्रेस अभी भी अपनी सोच को विकसित नहीं कर पाई है। कांग्रेस अभी कौन से वक्त का इंतजार कर रही है, ये भी सोचने का विषय है। आपका क्या कुछ कहना है एंटनी के इस बयान को लेकर के हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। साथ ही ऐसी ही देश दुनिया की खबरों में बने रहने के लिए देखते रहिए जनहित टाइम्स।